जय राम जी की जय। साई लीला शाह, स्वामी लीला शाह सत्संग में आपका स्वागत है। आज का विषय है संतोष। 26 सितंबर 1961 को गोधरा में किए गए प्रवचन में स्वामी जी ने कहा है कि संतोष के बिना शांति नहीं मिलेगी। संतोष या इच्छाओं का त्याग करना एक ही बात है, सिर्फ वासनाओं का त्याग करो। चाहे दुनियावी कार्य करते रहो, परंतु उनसे प्रीत मत रखो। मोह ममता से ऊपर उठो, फिर तो आनंद ही आनंद है। जय राम जी की। ईश्वर ध्यान अर्थात आत्मचिंतन। आत्मचिंतन करने से आनंद प्राप्त होगा। वैराग्य व अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए। एकांत में या कार्य करते हुए भी सदैव आत्मचिंतन करते रहना चाहिए। स्वप्न वाली सृष्टि में जागृत वाली सृष्टि क्या है? जागृत वाली सृष्टि में स्वप्न वाली सृष्टि क्या है? न यह सत्य है न वह सत्य है। जय राम जी की। सत्य क्या है? सत्य वह है जो सदैव रहे, आत्म ज्योति। आप सत्य रूप, ज्योति रूप, आनंद रूप आत्मा हो। स्वयं को पहचानो। आप ज्ञान स्वरूप स्वप्न की सृष्टि से पहले भी थे, फिर स्वप्न की सृष्टि दिखाई दे रही है तब भी हो, तथा स्वप्न की दृष्टि को जान रहे हो, फिर स्वप्न की सृष्टि समाप्त होने के बाद भी तुम हो। इस प्रकार इस सृष्टि से पहले भी तुम थे, अब भी हो और बाद में भी रहोगे। जयराम जी की। उपरोक्त बातें याद करके उन पर अमल करना चाहिए। गहरी नींद की अवस्था में अर्थात सुशोपित अवस्था में मन व इंद्रियां लीन है। वहां कोई भी इच्छा या वासना नहीं है, सिर्फ आनंद ही आनंद है। वैसे ही जागृत अवस्था में भी सभी इच्छाओं व वासनाओं का त्याग करो। दुनिया की किसी भी वस्तु में मोह न रखो, फिर तो आनंद ही आनंद है। जय राम जी की। रजोगुणी मनुष्य को शांति नहीं मिलेगी, शांति उसे मिलेगी जो सतोगुणी है। अधिक प्रवृत्ति में शांति नहीं है, शांति मिलेगी निवृत्ति में। जय राम जी की। एकांत अभ्यास के लिए हर रोज बाहर जंगल की ओर 1-2 घंटे निकल जाओ, वहां जाकर आत्मचिंतन करना चाहिए। जय राम जी की। दुख का कारण। दुख क्यों होता है? मोह व इच्छा रखने से। बाहर शांति नहीं है, शांत स्वरूप हम स्वयं हैं। बाहरी पदार्थों से जो थोड़े समय के लिए आनंद मिलता है, वह भी हमारे आत्म स्वरूप का प्रतिबिंब है। सिर्फ मन के स्थिर होने के कारण कुछ समय के लिए आनंद प्रतीत होता है, वह सत्य आनंद नहीं है। चाहे राजा इंद्र बन जाए तो भी तृप्ति नहीं होगी। भारी वस्तुएं सुंदर व आनंद रूप नहीं है। सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप तो हम स्वयं ही हैं। जय राम जी की। जय साईं लीला शाह।